मंगल भवन या मंगल हारी, जब उस दशरथ अजय बिहारी। सदा सुमन फल सहित सब, द्रुम नव नाना जात। प्रगटी सुंदर शैल पर, मनी आकर बहु भात। सियावर रामचंद्र जी ये, सरिता सब पुनीत जलु बहनी। खग मृग पे सुखी सब रहनी। सहज बयरु सब जीवन त्यागा, गिरि पर सकल करहि अनुरागा। सोह शैल गिरि जागृहु आए, जिमि जनु राम भगति के पाए। नित नूतन मंगल गृह तासु, ब्रह्मादिक गावहि जसु जासु। नारद समाचार सब पाए, कौतुक ही गिरि गेह सिधाए। शैलराज बड़ आदर कीना, पद पखारी बर आसन दीना। नारी सहित मुनि पद सिरुनावा, चरण सलिल सबु भवन सिचावा। निज सौभाग्य बहुत गिरि बरना, सुता बोली मैली मुनि चरना। त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ तुम, गति सर्वत्र तुमार। कहूं सुता के दोष गुण, मुनि बर हृदय विचार। सियावर रामचंद्र जी के, कह मुनि बिहसि गूढ़ मृदु बानी। सुता तुम्हारी सकल गुण खानी, सुंदर सहज सुशील सयानी। नाम उमा अंबिका भवानी, सब लक्षण संपन्न कुमारी। होई संतत पियहि पियारी, सदा अचल एहि कर अहि वाता। एहि तें जसु पै हहि पितु माता। हो हई पूज्य सकल जग माही, एहि सेवत कछु दुर्लभ नाही। एहि कर नाम सुमिर संसारा, प्रिय चढ़ि हई पतिव्रत असि धारा। शैल सुलक्षण सुता तुम्हारी, सुनहु जे अब गुण दुई चारी। अगुण अमान मातु पितु हीना, उदासीन सब संशय छीना। जोगी जटिल य काम मन, नगन अमंगल बेस। अस स्वामी एहि कह मिली, परिहस्त असिरे किसियावति रामचंद्र जी की जय। सुनि मुनि गिरा सत्य जिय जानी, दुख दंपति ही उमा हर सानी। नारद हूँ जह भेदुन जाना, दशा एक समुझब बिल गाना। सकल सखी गिरि जा गिरि मैना, पुलक शरीर भरे जल नैना। होइ नम्रसा देव ऋषि भाषा, उमा सो बचन हृदय धरि राखा। उपजे शिव पद कमल सनेहू, मिलन कठिन मन भासन देहू। जाने कु अवसरु प्रीति दुराई, सखी उछंग बैठि पुनि जाई। झूठी न होई देव ऋषि बानी, सोचहि दंपति सखी सयानी। उठ धरि धीर कहई गिरि राऊ, कहऊ नाथ का करिय उपाऊ। कह मुनीस हिमवंत सुनू, जो बिधि लिखा लीला। देव दनुज नर नाग मुनि, को न मेट निहार। सियापति रामचंद्र जी की जय। तदपि एक मैं कहूं पाई, कोई करें जो देव सहाई। जस बरु में बरनेऊ तुम पाई, मिलि उमहि तस संशय नाही। जे जे बर के दोष सब बखाने, ते सब शिव पहि मैं अनुमाने। ज्यों बिबाहु शंकर सन होई, दोषहुँ सुन गुण सम कह सब कोई। ज्यों अहि सेज शयन हरि करहीं, बुध कछु तिन कर दोषु न धरहीं। भानु प्रसान सर्व सब रस राखाहीं, तिन कह मंद कहत को नाहीं। शुभ अरु अशुभ सलिल सब बहही, सुर सरि को अपनी तुन कहही। समरथ कहु नहीं दोष गुसाई, रवि पावक सुर सर की नाई। ज्यों असि हि सिरा निसिसार न रही कर, जड़ विवेक अभिमान। परहि कलप भरि नरक महु, जीव की सि समान। सियापति रामचंद्र जी की जय। सुर सर जल कृप बारु नि जाना, कबहुन संत करहि तेहि बाना। सुर सरि मिले जो पावन जैसे, ईसे अनि सहि अंतरु तैसे। शंभु सहज समरथ भगवाना, एहि विवाह सब विधि कल्याणा।
दुराराध्य वै अहि महेशु आशुतोष पुन किए कलेशु जो तप करें कुमारी तुम्हारी भावि हूँ मेटि सकहि त्रिपुरारी यद्यपि बर अनेक जग माही तिहिं कह शिव तज दूसर नाही बरदायक प्रणतारति भंजन इच्छु शिव अवराधे लहियन कोटि जोग जप साधे अस कही नारद सुमिरि हरि गिरि जहि दीनी असीस होई यह कल्याण अब संशय तजहु गिरी सियापति राम चंद्र जी की जय। कही अस ब्रह्म भवन मुनि गयहु आगिल चरित सुनहु जस भयहु पति एकांत पाई कह मैना नाथन मैं समझे मुनि बैना जो घरु बरु कुल होई अनूपा करिय विवाह सुता अनुरूपा मैं ते कन्या बरु रहु कुआरी कंत उमा मम प्राण पियारी जौन मिलई बरु गिरि जहि जोगु गिरि चढ़ सहज कही सब लोगु सोई बिचारी पति करेहु विबाहु जेहिन बहोरी हो ही उर्दाहु अस कही परी रच चरण धरि सीसा बोले सहित सनेह गिरीसा बरु पावक प्रगटे ससि माही नारद बचनु अन्य था नाही प्रिया सोचु परिहरहु सब सुमिरहु श्री भगवान पार्वती ही निर्मय जिही सोई करहि कल्याण सियापति राम चंद्र जी की जय। अब जो तुम्हें सुता परुनेहु तो अस जाई सिखावनु देहु करे सो तपुजे ही मिलहि महेशु आन उपायन मिटिहि कलेशु नारद बचन सगर्भ सहेतु सुंदर सब गुण निधि प्रसकेतु अस विचार तुम तजहु कसंका सब ही भांति संकरु अकलंका सुनिपति बचन हरसि मन माही गई तुरत उठि गिरि जा पाही उमहि बिलोकि नयन भरे भारी बसहित सनेह गोद बैठारी बारहि बार लेति उरलाई गद गद कंठन कछु कहि जाई जगत मातु सर्वज्ञ भवानी मातु सुपद बोली मृदु बानी सुनहि मातु मैं दीक अस सपन सुनावहु तोय सुंदर गौर सुपिप्रवर अस उपदेश हु मोई सियापति राम चंद्र जी की जय। करहि जाय तपु सैल कुमारी नारद कहा सुसत्य बिचारी मातु पितहि पुनि यह मत भावा तपु सुख प्रद दुख दोष न सावा तप बल रचई प्रपंच विधाता तप बल विष्णु सकल जग त्राता तप बल शंभु करहि संघारा तप बल से सुधरई महिधारा तप अधार सब सृष्टि भवानी करहि जाई तपु अस जिय जानी सुनत बचन विस्मित महतारी सपन सुनायहु गिरि हकारी मातु पितहि बहु विधि समझाई चली उमा तप हित हर साई प्रिय परिवार पिता अरु माता भये विकल मुख आवन बाता वेद सिरा मुनि आई तब सब ही कहा समझाए पार्वती महिमा सुनत रहे प्रबोध ही पाए सियापति राम चंद्र जी की जय। उर्धरि उमा प्राण पति चरना जाई विपिन लागी तप करुना अति सुकुमारन तनु तप जोगु पति पद सुमेरि तजेउ सब भोगु नित नव चरण उपज अनुरागा बिसरी देह तपहि मनु लागा संबत सहस मूल फल खाए सागु खाई सत बरस गवाए कछु दिन भोजन बारी बतासा किए कठिन कछु दिन उपबासा बेल पाती मही परई सुखाई तीन सहस संबत सोई खाई पुनि परिहरे सुखाने उपरना उमहि नाम तब भयहु अपरना देखि उमहि तब खीन शरीरा ब्रह्म गिरा भय गगन गभीरा भयउ मनोरथ सुफल तब सुनु गिरिराज कुमार परिहरु दुसह कलेश सब अब मिलि हहि त्रिपुरार सियापति राम चंद्र जी की जय। अस तप काहुन कीन भवानी भये अनेक धीर मुनि ज्ञानी अब उर धरऊ ब्रह्म बरबानी
सत्य सदा संतत सुच जानी। आवे पिता बुलावन जब ही, हट परि हरि हर जायूं तब ही। मिलहिं तुमहि जब सप्त ऋषि सा, जानहुं तब प्रमाण बागी सा। सुनत गिरा विधि गगन बखानी, पुलक गात गिरि जा हर साने। उमा चरित सुंदर में गावा, सुनहु शंभु कर चरित सुहावा। जब ते सती जाय तनु त्यागा, तब ते शिव मन भयहु बिरागा। जपहि सदा रघुनायक नामा, जह तह सुनहि राम गुण ग्रामा। चिदानंद सुख धाम शिव, विगत मोह पद काम। विचरहि महि धरि हृदय हरि, सकल लोक अभिराम। सियापति राम चंद्र जी जय। कतहु मुनि ने उपदेश ही ज्ञाना, कतहु राम गुण करहि बखाना। जदपि अकाम तदपि भगवाना, भगत बिरह दुख दुखित सुजाना। एहि बिधि गयउ कालु बहु बीति, नित नय होइ राम पद प्रीति। नेम प्रेम शंकर कर देखा, अबिचल हृदय भगति के रेखा। प्रगटे राम कृतज्ञ कृपाला, रूप शील निधि तेज विशाला। बहु प्रकार शंकर ही सराहा, तुम बिनु अस व्रत को निर्वाह। बहु विधि राम शिव ही समुझावा, पार्वती कर जन्म सुनावा। अति पुनीत गिरिजा के करनी, विस्तर सहित कृपा निधि बरनी। अब बिनती मम सुनहु शिव, जो मो पर निज नेव। जाई बिबाहु शैल जही, यह मुहि मांगे देव। सियापति राम चंद्र जी जय। कह शिव जदपि उचित अस नाही, नाथ बचन मुनि बेटिन जाही। सिर धरि आयसु करिह तुम्हारा, परम धर्म यह नाथ तुमा हमारा। माप पिता गुरु प्रभु कै बानी, बिनहि विचार करिय सुख जाने। तुम सब भांति परम हितकारी, अज्ञा सिर पर नाथ तुम्हारे। प्रभु तो से सुनि शंकर बचना, भक्ति विवेक धर्म जुत रचना। कह प्रभु हर तुम्हार पन रहु, अब उर राखेउ जो हम कहु। अंतर धान भये अस भासी, शंकर सोई मूरति उर राखु। तब ही सप्त ऋषि शिव वही पाए, बोले प्रभु अति बचन सुहाए। पार्वती पहि जाई तुम, प्रेम परीक्षा लेव। गिरिह प्रेरि पठियउ भवन, दूरी करेउ संदेश। सियापति राम चंद्र जी जय। ऋषि ने गौर देखी तह कैसी, मूरति मंत तपस्या जैसी। बोले मुनि सुनु शैल कुमारी, करहु कवन कारण तप भारी। केहि अबुराधहु का तुम चहुं, हम सन सत्य मरम बिन किन कहुं। कहत बचन मनु अति सकुचाई, हसी हऊ सुनि हमारी जड़ताई। मनु हट परान सुनहि सिखावा, चहत बारी पर भीति उठावा। नारद कहा सत्य सोई जाना, बिनु पंखन हम चहि उड़ाना। देखउ मुनि अब वेकु हमारा, चाहिए सदा शिव ही भरतारा। सुनत बचन बिह से रिसे, गिरि संभव तब हे दे। नारद कर उपदेश सुनी, कहउ बसे उकी सुदेश। या पति राम चंद्र जी जय। दक्ष सुतन उपदेश नि जाई, तिन फिर भवन उन देखा आई। चित्र केतुअर कर घरु उन घाला, कनक कसिपु कर पुनि असहाला। नारद सिख जे सुनहि नर नारी, अवसि होइ तज भवन बिखारी। मन कपटी तन सज्जन चीना, आपु सरिस सब ही चहकीना। तेहि के बचन मानि विश्वासा, तुम चाहउ पति सहज उदासा। निर्गुण निलज कुबेश कपाली, अकुल अगेह दिगंबर ब्याली। कहउ कवन सुख अस अबरु भार पाए, भूल भूलिय ठग के बौराए। पंच कहे शिव सती बिबाही, पुनि अब डेरी मराय निताही। अब सुख सोवत सोचु नहीं, भीख मांगे भव खाय। सहज एकाकिन के भवन, कबहु किनारी खटाय। सियापति राम चंद्र जी जय। अजहु मानहु कहा हमारा, हम तुम कहूं बरु नीक बिचारा।
अति सुंदर सुचि सुखद सुशीला, गावहि वेद जासु जस लीला, दूषण रहित सकल गुण राशि, श्रीपतिपुर बैकुंठ निवासी, असबरु तुमहि मिलाउ बयानी, सुनत बिहसि कह बचन भवानी, सत्य कहे गिर भव तनु एहा, हट न छूट छूटे बरु देहा, कनकउ पुनि पसान ते होई, जा रेहु सहज न परिहर सोई, नारद बचन न मैं परिहर हूँ, बसउ भवन पूज्य रहु नहीं डर हूँ, गुर के बचन प्रतीति न जेही, सपने हूँ सुगम न सुख निसिध तेही, महादेव अवगुण भवन विष्णु सकल गुण धाम, जेहि कर मनोरम जाहि सन तेहि तेहि सन काम, सियापति राम चंद्र जी की जय। जो तुम मिलते हूँ प्रथम मुनि सा, सुनती हूँ सिख तुम्हारी धरि सीसा, अब मैं जन्म शंभु हित हारा, को गुण दूषण करे बिचारा, जो तुम रे हट हृदय विशेषी, रही न जाई बिनु किए बरेसी, तो कौतिकन आलसु नाही, बर कन्या अनेक जग माही, जन्म कोटि लगी रगर हमारी, बरऊ शंभु नाता रहऊ कुआरी, तजउ ने नारद कर रूप देसु, आप कहें सत बार महेशु, मैं पापरऊ कहें जगदम्बा, तुम ग्रह गवनहु भयहु बिलम्बा, देखि प्रेम बोले मुनि ज्ञानी, जय 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 दम जगदम्बिके भवानी, तुम माया भगवान शिव सकल जगत पितु मात, नाइ चरर सिर सिर मुनि चले, पुनि पुनि हर सत गात, सियापति राम चंद्र जी की जय। जाय मुनि हिमवंतु पठाए, कर बिनती गिरि जहि गृह लाए, बहुरी सप्त ऋषि शिव पहि जाई, कथा उमा के सकल सुनाई, भये मगन शिव सुनत सनेहा, हरसि सप्त ऋषि गवने गेहा, मनुथिर करि तब शंभु सुजाना, लगे करन रघुनायक ध्याना, तारक असुर भयउ तेहि काला, भुज प्रताप बल तेज विशाला, तेहि सब लोक लोकपति जीते, भये देव सुख संपति रीते, अजर अमर सो जीति न जाई, हारे सुर करि विविध लड़ाई, तब बिरंचि सन जाई पुकारे, देखे विधि सब देव दुखारे, सब सन कहा बुझाई विधि, तनुज निधन तब होय, शंभु शुक्र संभूत सुत, एहि जीतन रन सोय, सियापति राम चंद्र जी की जय। मोरे कहा सुने करहु उपाई, कोई ईश्वर करहि सहाई, सती जो तजी दक्ष मख देखा, जन्मी जाई हिमाचल गेहा, तेहि तपुकीन शंभु पति लागी, शिव समाधि बैठे सबु त्यागी, यद्यपि अहि असमंजस भारी, तदपि बात एक सुनहु हमारी, पटवहु काम जाई शिव पाही, करे छोभु शंकर मन माही, तब हम जाई शिवहि सिर नाई, करवा उब दिबाहु बरियाई, तेहि विधि भल ही देव हित होई, मत अति नीक कहि सब कोई, अस्तुत सुरन कीन अति हेतु, प्रगटे उबि सम बान जस केतु, सुरन कही निज विपति सब, सुनि मन कीन विचार, शंभु विरोधन कुशल मुहि, बिहसि कहेउ असुमार, सियापति राम चंद्र जी की जय। तदपि करब मैं काजु तुम्हारा, सुति कह परम धर्म उपकारा, परहित लागि तजहि जो देहि, संतत संत प्रशंसनि देहि, अस कहि चले उ सबहि सिरु नाई, सुमन धनुष कर सहित सहाई, चलत मार अस हृदय बिचारा, शिव विरोध ध्रुव मरनु हमारा, तब आपन प्रभाव विस्तारा, निज बस कीन सकल संसारा, कोपे उजबहि बारि चर केतु, छन महु मिटे सकल सुति सेतु, ब्रह्मचर्य व्रत संयम जनाना, धीरज धर्म ज्ञान विज्ञाना, सदाचार जप जोग विरागा, सभय विवेक कटक सब भागा, भागे विवेक सहाय सहित सो सुभट संयुग मही मुरे, सद ग्रंथ पर्वत कंदरनि महु जाहित हि अवसर दुरे, हार का कर तार को रखबार जग कर बरु परा,
दुई मात केही रति नाथ जेहि कहूं गोपी कर धन सरु धरा। जे सजीव जग अचर चर नारी पुरुष अस नाम, ते निज निज मर जात तजी भय सकल बस काम। सियापति राम चंद्र जी की जय। सबके हृदय मदन अभिलाषा, लता निहारि नवहि तरु साखा। नदी उमगि अम्बुहि अम्बुदिध कहु दाई, संगम करहि तलाव तलाई। जैं असि दशा जड़नि के बरनी, वो कहि सकै सचेतन करनी। पशु पक्षी नभ चल चर धारी, भय काम बस समय बिसारी। मदन अंध व्याकुल सब लोका, निसदिनु नहीं अब लोकहिं कोका। देव दनुज नर किन्नर व्याला, प्रेत पिसाच भूत बेताला। इनके दशा न कहेउ बखानी, सदा काम के चेरे जानी। सिद्ध विरक्त महामुनि जोगी, तेपि काम बस भय वियोगी। भय काम बस जोगी, सिता बस पावरन की को कहे। देखहि चराचर नारी मैं, जे ब्रह्म भय देखत रहे। अबला बिलो कही पुरुष मैं, जग पुरुष सब अबला मयम। दुई दंड भरी ब्रह्मांड भीतर, काम कृत कौतुक अयम। धरी न काहू धीर, सबके मन मन जिस मन सिज हरे। जे राखे रघुवीर, ते उबरे ते काल महु। सियापति राम चंद्र जी की जय। उभय धरी असु कौतुक भयहु, जो लगि काम शंभु पहि गयहु। सिवहि बिलोक संस केहु मारु, भयहु जथा जित्ति जी सब संसारु। भय तुरत सब जीव सुखारे, जिमि मद उतरि गए मतवारे। रुद्र ही देखि मदन भय माना, दुराधरस दुर्गम भगवाना। फिरत लाज कछु करि नहि जाई, मरण उठाने मन रचेसि उपाई। प्रगटेसि तुरत रुचिर ऋतु राजा, कुसुमति नव तरु राज विराजा। बन उपबन बापिका तड़ागा, परम सुभग सब दिशा विभागा। जह तह जनु उमगत अनुरागा, देखि मुए मनु मन सिज लागा। जा गई मनो भव मुए मन मन, सुभग तान परे कही। शीतल सुगंध सुमंद मारुति मदन अनल सुखा सही। बिकसे सरिन बहु कंज कुंजत पुंज मंजुल पन मधुकरा। कल हंस पिक सुख सरस रव कवि, गान गाचहि अपछरा। सकल कला करि कोटि, विधिहारे उसेन समेत। चली न अचल समाध, शिव को पेउ हृदय निकेत। सियापति राम चंद्र जी की जय। देखि रसाल बिटप बर साखा, तेहि पर चढ़े हु मदनु मन माखा। सुमन चाप निज सर संधाने, अतिरिस ताकि श्रवण लगिताने। छाड़े विषम बिसिखि उर लागे, छूटि समाधि शंभु तब लागे। भयउ ईस मन छोभि विशेषी, नयन उधारि उघारि सकल दिस देखी। सौरव पल्लव मदन बिलोका, भयउ कोपि कंपे उत्रय लोका। तब सिमती सर नयन उघारा, चितवन काम भयउ जरि छारा। हाहाकार भयउ जग भारी, डरपे सुर भय असुर सुखारी। समुझी काम सुख सोचहि भोगी, भय अकंटक साधक जोगी। जोगी अकंटक भय पतिगति सुनत रति मूर्छित भाई। रोदति बदति बदु बहु भांति, करुणा करति संकर पहि गहि। अति प्रेम कर बिनती, विविध विधि जोरी कर सन्मुख रही। प्रभु आशुतोष कृपाल, शिव अबला निरति बोले सही। अब ते रति तब नाथ कर, हो है नाम अनंग। बिनु गप व्यापहि सब हुकुनि, सुन निज मिलन प्रसंग। सियापति राम चंद्र जी की जय। जब जब वंश कृष्ण अवतारा, हो ही हरन महामहि भारा। कृष्ण तने हो है पति तोरा, बचनु अन्यथा होई नय मोरा। रति गवनी सुनि संकर बानी, कथा अपर अब कहूं बखानी। देवन समाचार सब पाए, ब्रह्मादिक वैकुंठ सिधाए। सब सुर विष्णु बिरंचि समेता,
गए जहां शिव कृपा निकेता। पृथक पृथक तिन कीनि प्रशंसा, भय प्रसन्न चंद्र अवतंसा। बोले कृपा सिंधु प्रसकेतु, कहउ अमर आए के हेतु। कह विधि तुम प्रभु अंतर जामी, तदपि भगति बस बिन वहु स्वामी। सकल सुरन के हृदय अस शंकर परम उछाव, निज नयन नहीं देखा चहे नाथ तुम्हारु विभाव। सियापति राम चंद्र जी की जय। यह उत्सव देखिय भरि लोचन, सोई कछु करहु मदन मद मोचन। काम जारी रति कबु कहु बरु दीना, कृपा सिंधु यह अति भल कीना। सासति करि पुनि करहि बसाऊ, नाथ प्रभु कर सहज सुभाऊ। पार्वती तप कीन अपारा, करहु दासु अब अंगीकारा। सुनि विधि विनय समुझि प्रभु बानी, ऐसे ही हो कहा सुकुमानी। तब देवन दंदु भी बजाई, बरसि सुमन जय जय सुर साई। अब सरु जाने सप्त ऋषि आए, सुर तहि विधि गिरि भवन पठाए। प्रथम गए जह रही भवानी, बोले मधुर बचन छल सानी। कहा हमारन सुनेहु तब नारद के उपदेश, अब भा झूठ तुम्हारे पन जा रहे हूँ काम महेश। सियापति राम चंद्र जी की जय। सुनि बोली मुस्काई भवानी, उचित कहे मुनि बर विज्ञानी। तुम रे जान काम अब जारा, अब लगी शंभु रहे सबिकारा। हम रे जान सदा शिव जोगी, अज अनवद्य अकाम अभोगी। जो मैं शिव सोई अस जानी, प्रीति समेत करम मन बानी। तो हमारे पन सुनहु मुनीसा, करे हई सत्य कृपा निधि ईसा। तुम जो कहा हर जा रे उमारा, सोई अति बड़ अभिवेक तुम्हारा। तात अनल कर सहज सुभाऊ, हिमते ही निकट जाई नहीं काऊ। गए समीप सो अवसि नसाई, असि मन मत महेश की नाई। हिय हर से मुनि बचन सुनी, देख प्रीति विश्वास। चले भवानी नाई सिर, गए हिमाचल पास। सियापति राम चंद्र जी की जय। सब प्रसंग गिरिपति ही सुनावा, मदन दहन सुनि अति दुख पावा। बहुरी कहे उरति कर बरदाना, सुनि हिमवंत बहुत सुकुमाना। हृदय विचार शंभु प्रभु ताई, सादर मुनि बर लिए बुलाई। सुदिन सुनकतु सुघरि सुचाई, बेग बेद विधि लगन धराई। पत्री सप्त ऋषिन सोई दीनी, गहि पद बिनय हिमाचल कीनी। जाई विधि तिन दीनि सुपाती, बाचत प्रीति न हृदय सपाती। लगन बाची अज सबहि सुनाई, हरसे मुनि सब सुर समुदाई। सुमन बृष्टि नव बाजन बाजे, मंगल कलश दसहु दिसि साजे। लगे संवारन सकल सुर, बाहन विविध विमान। होई सगुन सम मंगल सुबद, करई अक्षरा गान। सियापति राम चंद्र जी की जय। शिवम शंभु गण करहि सिंगारा, जटा मुकुट अहि मोर संवारा। कुंडल कंकन पहिरे ब्याला, तन विभूति पटके हरि छाला। शशि ललाट सुंदर सिर गंगा, नयन तीन उपबीत भुजंगा। गरल कंठ उर नर सिर माला, अशिव द्वेष शिव धाम कृपाला। कर त्रिशूल अरु डमरू विराजा, चले बसहु जड़ी बाज ही बाजा। देखि शिव ही सुर प्रिय मुसुकाई, बर लायक दुलहिनी जगनाही। विष्णु बिरंची आदि सुर ब्राता, चढ़ी चढ़ी बाहन चले बराता। सुर समाज सब भांति अनूपा, नहीं बरात दूलह अनुरूपा। विष्णु कहा अस बिहसी तब, बोली सकल दिशिराज। बिलग बिलग होई चलहु सब, निज निज सहित समाज। सियापति राम चंद्र जी की जय। बर अनुहारी बरात न भाई, हसी करे हऊँ पर पुर जाई। विष्णु बचन सुनि सुर मुसुकाने, निज निज सेन सहित बिल दाने। मन ही मन महेश मुसुकाही, हरि के बिंग बचन नहीं जाई। अति प्रिय बचन सुनत प्रिय केरे, भृंग ही प्रेरी सकल गन तेरे। शिव अनुशासन सुनि सब आए, प्रभु पद जलज शीस तिन नाए। नाना बाहन नाना बेसा, दिसे शिव समाज निज देखा। को मुख हीन विपुल मुख काहू,
बिनुपद कोहु बिनुपद कर को बहुपद बाहु विपुल नयन को नयन विहीना हृष्ट पुष्ट को अति तनखीना तनखीन को अति पीन पावन को अपावन गति धरे भूषण कराल कपाल कर सब सत्य सो नित तन भरे कर स्वान सुअर सुकाल मुख गन बेस अदनित को गने बहु जिनस प्रेत पिसाच जोगी जमात वर्णत नहीं बने नाचहि गावहि गीत परम तरंगी भूत सब देखत अति विपरीत बोलहि बचन विचित्र विधि सियापति राम चंद्र जी की जय। जस दूलहु तसि बनी बराता कौतुक विविध होई मग जाता इहां भी हिमाचल रचेउ बिताना अति विचित्र नहीं जाई बखाना सहल सकल जह लगी जग माही लघु विशाल नहीं बरन सिराही बन सागर सब नदी तलावा हिमगिरि सब कहूं नेवत पठावा काम रूप सुंदर तन धारी सहित समाज सहित बरनारी गए सकल तुहि ना चल गेहा गावहि मंगल सहित सनेहा प्रथम ही गिरि बहु ग्रह सब राय जता जोग तह तह सब छाए पुर शोभा अवलोक सुहाई लाग ही लघु विरंचि निपुनाई लघु लाग विधि की निपुणता अवलोक पुर शोभा सही बन बाग कूप तड़ाग सरिता सुरग सब सके को करी मंगल विपुल तोरण पता का पीतु गुरु ग्रह सोहरि पनिता पुरुष सुंदर चतुर छवि एक मुनि मन मोहनि जगदम्बा जह अवतरी सोपुरी बरन की जाय गृद्ध सिद्ध संपति सुखो नित नूतन अधिकाय सियापति राम चंद्र जी जय। नगर निकट बारात सुनि आई पुर खर भरु शोभा अधिकाई करि बनाव सजी बाहन नाना चले लेन सादर अवगाना हिया हर से सुर सेन निहारी हरहि देखि अति भय सुखारी शिव समाज जब देखन लागे बिडरि चले बाहन सब भागे धरि धीरज तह रहे सयाने बालक सब ले जीव पराने गए भवन पूछहि पितु माता कहि बचन भय कंपित गाता कही काह कही जाई न बाता जम कर धार तिधो बरियाता बरु बौराह बसह असुवारा प्याल कपाल विभूषण छारा तन छार ब्याल कपाल भूषण नगन जटिल भयंकर संग छुभूत प्रेत पिसाच जोगिन विकट मुख रजनी चरा जो जियत रही बरात देखत पुण्य बड़ तही कर सही देखी सो उमा बिबाहु घर पर बात असिलर किन कही समुझी महेश समाज सब जनन जनक मुस्काय बाल बुझाए विविध विधि निडर हो डर नाय सियापति राम चंद्र जी जय। ले अगवान बरात ही आए दिए सबहि जनवास सुहाए मैना शुभ आरती सवारी संग सुमंगल गावहि नारी कंचन थार सोह बर पानी परिछन चली हरहि हरसानी विकट बेस रुद्रहि जब देखा अबलन उर भय उब भयउ विशेषा भागि भवन पैठी अति त्रासा गए महेश जहां जनवासा मैना हृदय भयउ दुख भारी लीनी बोली गिरीश कुमारी अधिक स्नेह गोद बैठारी श्याम सरोज नयन भर बारी जेहि विधि तुमहि रूप असुदीना तेहि जड़ बरु आपाउर कस दीना कस कीन बरु बौराह विधि जेहि तुमहि सुंदर तादई जो फलु चहि असुर तहि सुरत रूहि सो बर बस बहु रहि लागहि तुम सहित गिरिते गिरो पावक जरो जल निधि महु बरो घरु जाउ अप जसु होयु जग विपत जीवत बिबाहु न हो करो। भई बिकल अबुला सकल दुखित देख गिरिनार करि बिलाप रोदति बचत बरति सुता स्नेहु संभार सियापति राम चंद्र जी जय। नारद कर में काह बिगारा भवन मोर जिन बसत उजारा अस उपदेश उमहि जिन दीना
गौरे परन लाही लागि तपु कीना साचे हूँ उनके मोहन माया उदासीन धनु धाम उन जाया पर घर घालक लाज न भीरा बांझ की जान प्रसव के पीरा जननी बिकल बिलो की भवानी बोली जुत विवेक मृदु बानी अस बिचारी सोच ही मति माता सो न टरई जो रचई विधाता करम लिखा जो बाउर नाहू तो कत दोष लगायो काहू तुम सन मिट ही की विधि के अंका माप व्यर्थ जनि लेहु अलंक कलंका जनि लेहु मातु कलंक करुणा परिहरहु अवसर नहीं दुख सुख जो लिखा लिलार हमरे जाब जह पाउ बतही सुनि उमा बचन बिनीत कोमल सकल अबला सोचहि बहु भांत विधि लगाई दूसन नयन बारी विमोचहि तेहि अवसर नारद सहित अरु ऋषि सप्त समेत समाचार सुने तुहिन गिरि गवने तुलत निकेत सियापति रामचंद्र जी जय। तब नारद सब ही समुझावा पूरब कथा प्रसंग सुनावा मैं ना सत्य सुनहु मम बानी जति दम्बा तव सुता भवानी अजा अनादि शक्ति अविनाशिनी सदा शंभु अर्धंग निवासिनी जग संभव पालन लयकारिन निज इच्छा लीला कपुधारिन जन्मी प्रथम दक्ष गृह जाई नाम सती सुंदर तनु पाई कहउ सती शंकर हि बिबाहि कथा प्रसिद्ध सकल जग माहि एक बार आवत शिव गंगा देखे रघुकुल कमल पतंगा भयउ मोह शिव कहा निकीना ब्रह्म बस देसु सीय कर लीना। श्रेय बेसु सती चौकीन तेहि अपराध शंकर परिहरि हर बिरहि जाई बहोरि पितु के जखि जोगा नल जरि अब जनम तुमरे भवन निज पति लागि दारुन अपु किया अस जान संशय तजहु गिर जा सर्वदा शंकर पिया। सुनि नारद के बचन तब सब कर मिटा बिसात क्षण महु व्याप्यु सकल पुर घर घर ये संवाद सियापति राम चंद्र जी की जय। तब मै नाहि मुबंतु अनंदे पुनि पुनि पार्वती पद मंदे नारी पुरुष शिशु जुबा सयाने नगर लोग सब अति हर साने लगे हो नपुर मंगल गाना सजे सब ही हाटक घट नाना भांति अनेक भई जिव नारा सूक शास्त्र सजस कछु व्यवहारा सो जिव नार की जाई बखानी बसहि भवन जेहि माप भवानी सादर बोले सकल बराती विष्णु बिरंच देव सब जाति विविध पाति बैठी जिव नारा लागे परुसन निपुन सुआरा नारी बृंद सुर जेवंत लागी जानी लगी देन गारी मृदुबानी गारी मधुर सर दे सुंदर बिंग बचन सुनावही भोजन करहि सुर अति बिलंब विनोद सुनि सचु पावहि जे वत जो बड़ो आनंद सो मुख कोटि हुने परे कहो अचवाई दीने पान गहुने पास जह जाकु रहो। बहुरी मुनि नहि मुवंत कहूं लगन सुनाई आई समय बिलोक की विवाह कर पठे ये देव बुलाए सियापति राम चंद्र जी जय। बोली सकल सुर असाधन लीने सबहि जथोचित आसन दीने बेदी बेद बेदान सवारी सुभग सुमंगल गावहि नारी सिंहासनु अति दिव्य सुहावा जाई न परनि बिरंचि बनावा पैठे सिर विप्रण सिरुनाई हृदय सुमिरि निज प्रभु रघुराई। बहुरी मुनि सन उमा बुलाई करि सिंगारु सखिले लखी ले आई देखत रूप सकल सुर मोहे भरने छबि अस जग कवि कोहे जगदम्बिका जाने भवमा भामा सुरनी सुरनी मननी मन कीन प्रणामा सुंदरता मर जाद भवानी जाई न कोटि बदन बखानी कोटि बदन नहीं बने बरनत जग जनन शोभा महा सकुचहि कहत सुति शेष सारद मंद मति तुलसी कहा
छबिखानि मातु भवानि गवनि मध्य मंडप सुविचहा अवलोकि सकहि न सकुचे पतिपद कमल मनु मधु करुतहा। मुनि अनुशासन गणपति ही पूजनु शंभु भवान को सुनि संसे करे जनी सूर्यनादि दिय जान सिया पति राम चंद्र दिति जय। जस विवाह के विधि सुति गाई महामुनि सो सब करवाई कही गिरी से कुश कन्या पानी भवई समर्पी जनि भवानी। पानी ग्रहण जब कीन महेशा निहर से तब सकल सुरेशा वेद मंत्र मुनि बर उच्चरही जय 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 शंकर सुर करही। बाजही बाजन विविध विधाना सुमन भ्रष्टि नव भय विधिदाना हर गिर जाकर भयं विबाहु सकल भुवन भरि रहा उछाऊ। दासी दास तुरग रथ नागा धेनु बसन मनि वस्तु विभागा अन्न कनक भाजन भरि जाना दाई दीन जाय बखाना। दाई दियो बहु भांति पुनि कर जोरी हिम भूतर कयो का देउ पूरन काम शंकर चरण पंकज गहि रहयो। शिव कृपा सागर ससुर कर संतोष सब भांति कियो पुनि गहे पद पातो जे मयना प्रेम परिपूरन गियो। नाथ उमा मम प्राण सम ग्रह किंकरी करे क्षमेउ सकल अपराध अब होई प्रसन्न बरुदेसिया पति राम चंद्र जी की जय। बहुविधि शंभु सासु समुझाई गवनी भवन चरण सिरुनाई जननी उमा बोली तब लीनी ले उछंग सुंदर सुख दीनी। करेउ सदा शंकर पद पूजा नारी धर्म पति देवन दूजा। बचन कहत भरे लोचन भारी बहुरी लाई उर्दीन कुमारी। कृत कतबिधि सूजी नारी सृजी नारी जगमाही पराधीन सपने सुख नाही। भय अति प्रेम विकल महतारी धीरजुकीन कुसमय विचारी। पुनि पुनि मिलति व परति कही चरना परम प्रेम कछु जाइन वरुणा। सब नारिन मिलि भेटि भवानी जाई जननी उर पुनि लपुटानी। जननी बहुरी मिलि चली उचित असीस सब पाहुं दई। जरी फिर बिलोकति मातु तन तब सखी ले शिव पहि गई। जाचक सकल संतोष शंकर उमा सहित भवन चले सब अमर हर से नव बाजे भले। चले संग हिमवंतु तब पहुंचावन अति राम जय जय राम मेरे प्रभु राम सीता राम। मंगल भवन मंगल हारी भवन मंगल हारी प्रभु शुद शिरति जय जय राम जय राम जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम जय जय श्री राम जय श्री राम। रामचंद्र भगवान की महादेव की जय। बहुत बहुत बढ़िया बहुत सुंदर बहुत स्मूथ एक आवाज में आपने आज रामायण सुनाई बड़ा आनंद आ गया। इतना शुद्ध उच्चारण आपने तो अभी अभी पढ़ना शुरू किया पिछली बार बताया था तो फॉर समबडी हु इज रीडिंग इन अ वेरी रिसेंट टाइम्स यू नो दिस इज क्वाइट अ गुड रीडिंग। बहुत अच्छा धर्मेंद्र जी ऐसे पढ़ते रहिए बहुत सब पढ़ते हैं आप। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो चलो अब आगे बढ़ते हैं आज की आज हमारे पास फिर से विनीता जी हैं। कल ही इन्होंने व्याख्या की थी और समीक्षा की थी तो वहीं से बात शुरू करते हैं। जब कल बात हुई थी थोड़ी बहुत शिव जी के ब्याह की बातचीत चल रही थी। कल एंगेजमेंट हो गया था अब आज शादी है तो अब मैं विनीता जी को आमंत्रित करता हूँ इस पर अपनी व्याख्या करें परिभाषा करें समीक्षा करें जो भी सही शब्द हो और उसके बाद में हम आपस में जो भी प्रश्न हो चर्चा हो वी विल ऑल डू टुगेदर। तो वृंदा जी आइए स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद ओम जी सभी को जय श्री राम। तो ओम जी भाई ने बता दिया कि कल एंगेजमेंट हो गई थी और आज विवाह का प्रसंग है। तो अगर हम देखें तो
इस प्रसंग में तुलसीदास जी ने जो उस समय की उनकी जो देशकाल परिस्थिति तुलसीदास के समय की, उस समय की जो वैवाहिक रीतियां थी, जो विधियां थी, उसका बहुत अच्छी तरह से वर्णन तुलसीदास जी ने किया है। तो ईश्वर तो काल से परे है, उसका विवाह किस रीति से हुआ, किस तरह से हुआ, वो तो कोई देखा नहीं है। जैसे रामानंद सागर जी ने जब रामायण बनाई तो उन्होंने आजकल के संदर्भ से थोड़ा सा उसको दिखाने का प्रयास किया, ऐसे ही तुलसीदास जी ने जो प्रसंग है उसका वर्णन किया है, लेकिन जो रीति रिवाज है उसको हम 17वीं शताब्दी जो भी उनका काल था उस काल की सामाजिक परिस्थिति को समझ सकते हैं। कोई भी रचना जो उन्होंने की है तो वहां पे जो हमारी जो वो है, हमारी समस्याएं हैं, जो हमारी परिस्थितियां हैं, जो हमारी स्थितियां हैं, उसका वर्णन बखूबी तुलसीदास जी ने इस प्रसंग में करके दिखाया है। दो तीन बातें बहुत सुंदर है इस प्रसंग में कि समर्थ को नहीं दोष गोसाई, ये जो पंक्ति है ये उस समय की जो परिस्थिति है सामाजिक राजनैतिक जो भी है उस पे भी प्रहार कर रहे हैं तुलसीदास जी ये बात कह के कि कोई समर्थ है तो उसके गुण दोष नहीं गिने जाते, वो कुछ भी करता है वो सही माना जाता है। और ये आज भी हम देखते हैं कि समर्थ को नहीं दोष गोसाई, लेकिन यहाँ पर जो मूल उनका बताने का उद्देश्य ये है कि आप ये देख के कि समर्थ हैं तो आप कुछ भी कर सकते हैं, तो मनुष्य इस चीज को अपने जीवन में नहीं उतार सकता है, ईश्वर के लिए ये वो बात कह रहे हैं, तो पहले आप गंगा की तरह, सूर्य की तरह, अग्नि की तरह समर्थ बनिए। जब आप इतने समर्थ हो जाएंगे तब आपकी कमियों को नजरअंदाज किया जा सकता है। आप समर्थ हैं नहीं और इन दोषों को अगर अपने जीवन में उतारेंगे तो आपको दोष दिया जाएगा और आप दोषी माने जाएंगे। दूसरी चीज है कि शंकर जी सती के विरह में पृथ्वी पर विचरण कर रहे हैं, वहां पर तुलसीदास जी उन्होंने लिखा है कि वो क्रोध मद मोह से रहे, काम मद मोह से रहित हैं, लेकिन चौथा जो वहां पर है क्रोध से रहित उन्होंने नहीं लिखा है। क्यों नहीं लिखा है? क्योंकि शंकर जी क्रोध से रहित नहीं है, सती की मृत्यु के उपरांत उन्होंने क्रोध किया है, तो बाकी तो तीन चीजों से वो रहित हैं, क्रोध से रहित नहीं है। इसीलिए जब उनके पास कामदेव आते हैं तो वो क्रोध के उनके भाजन बन जाते हैं कामदेव। अगर वो क्रोध से रहित लिख देते वहां तुलसीदास जी तो फिर यहाँ पर वो शंकर भगवान क्रोध नहीं कर सकते थे, वो तो रहित हो गए थे। और क्रोध से रहित नहीं है क्यों? क्योंकि प्रेम से विछोह में है, इसीलिए विचलित हैं, अस्थिर हैं, पूरी धरा पे क्रोध में विचरण कर रहे हैं। जब उनको जाकर भगवान विष्णु भगवान ये बताते हैं कि पार्वती के रूप में उनका जन्म हो चुका है तो वो उनके प्रेम भाव की पुष्ट हो जाती है और वो स्थिर हो जाते हैं और देखिए साधना में रत हो जाते हैं। तो कोई भी विचलित मनुष्य अगर है तो प्रेम भाव ही उसको स्थिर कर सकता है। जब शंकर जी को स्थिर कर सकता है प्रेम का भाव तो कोई भी मनुष्य को प्रेम का भाव स्थिर कर सकता है। तो घृणा नफरत क्रोध इन सब से बचने का एक ही तरीका है कि हम अपने भीतर प्रेम के भाव को अधिक से अधिक उसको उपजाने की कोशिश करें। और जैसे ही वो स्थिर होते हैं वो साधना में चले जाते हैं। अब जब वो साधना में चले गए और किसके उसमें रम गए, राम के ध्यान में रम गए, वो तो राम निश्चिंत हो गए वो कि अब तो जन्म लेके आ चुके, अब हमें मिल जाएंगे, अब तो कोई मुझे इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। आजकल अगर किसी को ये पता चल जाए तो वो दौड़ा दौड़ा वहां पहुंच जाएगा कि जी हमारा विवाह कर दीजिए, ये तो हमारी बिछड़ी हुई पत्नी है। लेकिन उनको देखे शांति आ गई, स्थिरता आ गई, वो साधना में चले गए। अब जब देवताओं को अपना फिर काम पड़ता है कि वो उसको असुर को मारना है, उनकी संतान चाहिए, तो ये देवता क्या है? ये हम ही लोग हैं। हम लोग ईश्वर से यही वाणिक धर्म के तरह से प्रेम करते हैं, भक्ति करते हैं कि हमें काम पड़ता है तो जी हम याद करने लगते हैं कि ये हो जाए तो ये कर देंगे, ये हो जाएंगे तो 16 सोमवार रह लेंगे या 5 बृहस्पतिवार रह लेंगे या ये दान कर देंगे या ये प्रसाद चढ़ा देंगे। तो ये देवता लोग जो कर रहे हैं यही हम लोग भी कर रहे हैं।
अपने मतलब के अनुसार ईश्वर को याद करते हैं, उसको प्रसन्न करते हैं। तो ये सब जब वहां जाके कहते हैं तो पार्वती जी तो तपस्या कर रही हैं शंकर को पाने के लिए, और शंकर जी निश्चिंत हैं, तभी भी उनकी परीक्षा ली जा रही है। ऐसा क्यों हो रहा है बार बार, कभी सप्तऋषि जा रहे हैं, कभी कोई जा रहे हैं, कभी उनको, क्योंकि शंकर जी जानते हैं बाकी लोगों को ये विश्वास नहीं है कि ये वही सती है, इसलिए वो अपनी संतुष्टि के लिए बार बार जाकर उनकी परीक्षा ले रहे हैं। जब वो परीक्षा लेते हैं और उनको बताते हैं तो पार्वती जी उनसे कह रही है कि हाँ भाई बहुत सारे वर होंगे, बहुत सारी कन्याएं होंगी, आप उनका भी विवाह करवाइए। तो ये सब सांसारिक बातें हैं जिनका थोड़ा बहुत तुलसीदास जी ने इसमें वर्णन किया है। और वही जो समरथ कोनी दोष गोसाई में एक बड़ी सुंदर बात तुलसीदास जी कह रहे हैं कि अगर गंगा जल से मदिरा बना दी जाए तो वो मदिरा को संत जन ग्रहण नहीं करते हैं, लेकिन अगर मदिरा को गंगा जल में, गंगा जी में बहा दिया जाए तो गंगा जल का पान करते रहते हैं, तब नहीं कहते कि इसमें तो मदिरा मिला दी गई, अब ये गंगा जल का पान नहीं कर सकते, या पवित्र हो गई। तो ये देखिए, जो भी साइंस और केमिस्ट्री पढ़ने वाले लोग हैं वो जानते होंगे, कोई चीज डाइल्यूट करते जाइए आप, जितनी डाइल्यूट होगी उसका प्रभाव फिर नहीं रहता है। अगर वो कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में है वो पाप या वो बुराई, तो वो आपको प्रभावित करेगी। आप अच्छे कर्म बहुत ज्यादा करिए, अच्छे कर्म बहुत ज्यादा करिए, तो एक दो गलतियां आपकी वो क्षम्य होती हैं, वो भुलाई जा सकती हैं। लेकिन आप गलतियां ज्यादा करते रहिए, गलतियां ज्यादा करते रहिए, बुराइयां ज्यादा करते रहिए, तो उसका कॉन्सेंट्रेशन बुराइयों का बढ़ जाता है, फिर वो आपको अपने प्रभाव में ले लेती हैं। इसी प्रकार जब आगे चल के कह रहे हैं कि पार्वती जी का विवाह की तैयारियां होने लगी, वहां बड़ी सुंदर विनोद की बात भी तुलसीदास जी ने कर दी, विष्णु भगवान मजाक कर रहे हैं कि शिव जी तैयार हो गए हैं, उनकी वेशभूषा का वर्णन किया है, और बाकी तो देवता लोग भाई बड़े सुंदर कपड़ों में, सुंदर आभूषणों में, सुंदर अपने विमानों में, और शंकर जी तो भभूत लपेटे और नाग और बिच्छू ये सब लपेटे हुए, बाघ की छाल पहने हुए और बैल पे सवार है। तो विष्णु जी कहते हैं कि भाई दूल्हे के अनुसार बारात नहीं, तो जरा इनसे दूर हटके सब लोग चलो, क्योंकि मैच नहीं कर रहा है बारात और दूल्हा आपस में। तो यहाँ पर विष्णु जी कंफर्टेबल करना चाहते हैं शंकर जी की जो बिरादरी, जो उनके भक्त हैं। शंकर जी चुनते नहीं है भक्तों को, जो जिसको कोई नहीं पूछता है, जिसको कोई नहीं शरण देता है, जिसकी कोई नहीं सहायता करता है, शंकर जी उसको अपने साथ लेके चलते हैं। तो वो गण जो भूत प्रेत जो अपने शारीरिक रूप से भी पूरी तरह से अच्छे नहीं है, सुंदर कपड़े आभूषणों की तो बात जाने दीजिए, समाज के हमारे जितने निकृष्ट अंग वाले जो लोग थे वो शंकर की भक्ति में लगे रहते थे, और शंकर सबको अपने में समेटते जाते थे। तो जब वो ये सब हट जाते हैं, दूर हो जाते हैं, तो वो कंफर्टेबल होकर फिर शंकर जी के साथ में चल पड़ते हैं। और होता क्या है कि बड़े बड़े लोग आ जाते हैं, तो जो थोड़े से निर्धन लोग हैं जिनकी समाज में वो हैसियत नहीं है, तो वो दबे सकुचे से हो जाते हैं। तो यहाँ पर भी तुलसीदास जी एक समानता का, समाज को एक समानता का भाव सिखाने की बात कर रहे हैं कि अगर आप धनवान हैं, आप बहुत रईस हैं, तो भी आप जो आपका जो कमजोर वर्ग है उसको आप कंफर्टेबल करिए कि वो आपके साथ जुड़ सके। और जब बारात चलती है वहां पर फिर एक चौपाई तुलसीदास जी जो कहते हैं, जो आधी कही जाती है हमेशा कि पराधीन सपने सुख नाही, 80% लोगों को ये पता नहीं है कि ये चौपाई स्त्री के लिए कही गई है, वो किसी भी पराधीन के लिए यूज होती है। छोटे में हम लोगों ने भी इस पे बड़े निबंध लिखे हैं, लेकिन जब हम पूरी चौपाई पढ़ते हैं तो मैना कह रही है कि विधाता ने किस प्रकार नारी का सृजन किया है कि पराधीन उसको होना पड़ता है। तो ये भी आप देखिए, तो जिस काल में तुलसीदास जी रामचरितमानस की रचना कर रहे हैं उस काल में स्त्री बहुत अधिक रूप से पराधीन है, और ये हमको आज भी देखने को कमोबेश मिलता है। सुधार हो रहा है, सुधार हो रहा है, इसका मतलब कि ये चीज अभी भी मौजूद है हमारे समाज में। तो वो उन्होंने इतनी सुंदरता से इस बात को मैना से कहलवा दिया है। अब मैना ये परेशान है कि ये कैसे जाएगी, ये कैसे रहेगी, वर तो ऐसा है, ना घर है, ना द्वार है, ना कुछ है। तो यहाँ पे माता पिता के मोह को दिखाया जा रहा है,
जो माता पिता है वो बच्चे के साथ ऐसे एक मोह से ग्रसित रहते हैं, उन्हें लगता है कि अपने बच्चे का जीवन वो तय कर रहे हैं, वो बना रहे हैं, वो उसे पहुंचा रहे हैं कहीं पर। फिर तुलसीदास ये बताना चाह रहे हैं कि हर व्यक्ति एक अपना इंडिपेंडेंट पर्सन है इस संसार में, वो अपने कर्म अपने प्रारब्ध के द्वारा अपना जीवन अपना भाग्य उसका तय होता है। तब फिर जब इनको नारद जी ने उनके पूर्व जन्म की कथा सुनाई तो उस कथा को सुनाने का यही उद्देश्य है कि आप नहीं तय कर रही हैं कि इनका जीवन आगे का कैसा होगा, ये इनका अपना प्रारब्ध इनका अपना कर्म, और उनको इस मोह से उनको मुक्त कराते हैं कि आपकी संतान है तो आपकी ही पूरी तरह से इसमें जिम्मेदारी है या आप ही इसके लिए उत्तरदायी हैं कि इसका आगे का जीवन कैसा हो रहा है। तो यही सब चीजें हम लोगों को आज के संदर्भ में भी सोचनी चाहिए और अपनानी चाहिए कि हमारे जो बच्चे हैं उनको एक आत्मनिर्भर इंसान बनाए, आत्मनिर्भर नागरिक बनाए। बल्कि हम देखते हैं हम लोग की पैसा जोड़ने में पड़े रहते हैं माता पिता कि जी हमारे बाद हमारे बच्चे कैसे सुख भोगेंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए, आप उनको सक्षम बनाइए, उनको आत्मनिर्भर बनाइए। जब कहते हैं कि पूत सपूत तो क्या धन संचय, पूत कपूत तो क्या धन संचय, तो यही तुलसीदास जी अपने छोटे छोटे प्रसंगों के द्वारा यही सब बताने का प्रयास कर रहे हैं। और उसके बाद तो विवाह हो जाता है और पार्वती जी शंकर जी के साथ आ जाएंगी कैलाश पर्वत पे और फिर आगे फिर राम कथा का प्रसंग इसी के साथ शुरू होगा। तो पार्वती जी हम लोगों का रिप्रेजेंटेटिव रहेंगी, वहां पर प्रश्न करेंगी और शंकर जी गोस्वामी तुलसीदास की तरह कथा सुनाएंगे, जो कथा हम लोग आगे इस मास परायण में सुनते हुए आगे पढ़ते रहेंगे।